मेट्रो में किराए की वृद्धि को लेकर मचा घमासान है। दिल्ली सरकार में अजीबोगरीब स्थिति पैदा कर दी है। मुख्य सचिव डॉक्टर एमएम कुट्टी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के उस आदेश को मानने से इनकार कर दिया है, जिसमें उन्होंने मेट्रो किराए में वृद्धि की जांच के आदेश दिए थे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मुख्य सचिव डॉक्टर एमएम कुट्टी को पत्र लिखकर निर्देश दिए थे कि मेट्रो किराए बढ़ोतरी को लेकर वे दिल्ली डायलॉग कमीशन यानी कि डीडीसी के 6 मुद्दों पर जांच करने के आदेश जारी करें, लेकिन मुख्य सचिव ने केजरीवाल के आदेश को दरकिनार करते हुए मेट्रो किराए बढ़ोतरी के मामले में जांच बिठाने से मना कर दिया है। इससे सरकार और नौकरशाही में टकराव और बढ़ गए हैं। शुक्रवार देर शाम सरकार से जुड़े लोगों ने मुख्य सचिव को बीजेपी का मोहरा करार दिया और कहा कि मुख्य सचिव को बीजेपी और केंद्र से सीधे सहयोग प्राप्त है और इसी कारण ऐसा हो रहा है। आप सरकार अब ऐसे नौकरशाहों से निपटने का रास्ता तलाशेगी जो सरकार के हितों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सरकार से जुड़े सूत्रों का कहना है कि मुख्य सचिव असंवैधानिक काम कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी का कहना है कि लोकतंत्र में ऐसा पहली बार हुआ है जब मुख्य सचिव ने मुख्यमंत्री की बात नहीं मानी है और इससे साफ जाहिर है कि केंद्र के इशारे पर दिल्ली सरकार के किराया घटाने के प्रयास पर पानी फेरा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन।